नादिरुल वजूद का मतलब जो चीज़ बहुत कीमती हो, नहायत कीमती चीज़ को कहा जाता है। फ़ाकाकश भूख भूखा, या ऐसा शख्स जिसको कई दिनों से कुछ खाने पीने को ना मिला हो। उलुल अज़्म बुलंद हिम्मत और या बुलंद हौसले वाला। अब्रे करम रहमत का बादल। मुसाफा हाथ मिलाने को कहते हैं। अरफा बहुत बुलंद। अजराम समावा समावी आसमान के सितारे या सियारे जो आसमान के हैं। मुबालगा आमेज़ ऐसी बात या ऐसी कहानी जिसको बहुत बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाए। इस्तेकामत कायम रहना मतलब है किसी एक जगह पर मजबूती से कायम रहना या उस चीज़ को हमेशा करना। निको सीरत नेक किरदार। अज़्म रब्बानी खुदा की मर्ज़ी। अम्बियाए कुबार अजीम रसूल। वदियत अता की गई। मकरूह तहरीमी मतलब है ऐसी चीज़ इस्लाम के अंदर जो हराम तो नहीं है लेकिन उस चीज़ को पसंद भी नहीं किया गया, तो ऐसी चीज़ को मकरूह तहरीमी कहते हैं। जिनसे फरामा ऐसी चीज़ जो कसरत में हो। फरामानी का जो लफ्ज़ है इसका मतलब होता है कसरत। दावत हक सच्चाई की दावत। वकार नबूवत का मतलब है, वकार नबूवत का मतलब है अंबिया की इज्जत या नबी की इज्जत या नबूवत की इज्जत। तनोमंद का मतलब सेहतमंद का होता है, ऐसा शख्स जो सेहतमंद हो। सीगाए तामीम ऐसी बात जो सबके लिए हो मतलब है आम लोगों के लिए जो बात की जाए उसको सीगाए तामीम कहा जाता है। हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है उसमें हमारे पास इखलाक का दकीक नुक्ता क्या है, तो इसका जो जवाब होगा वो हम क्या लिखेंगे कि इखलाक का दकीक नुक्ता ये है कि इंसान अपने लिए जो चीज़ पसंद करता है या अपने लिए जो चीज़ चाहता है वो उस चीज़ को हमेशा पाबंदी से करे और कभी भी उस चीज़ को ना छोड़े और उसको हमेशा दायमी और गैर मुतदिल तरीके से अदा करता रहे और इस तरह से सख्ती से वो काम करता रहे जैसे ऐसे लोगों को महसूस हो कि जैसे वो कभी ये काम छोड़ ही नहीं सकता। दूसरा जो सवाल है हमारे पास, बे मजाले से सोबत में नागवार बातों पर आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ेकार क्या होता था, मतलब जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी मजलिस में होते और कोई शख्स कोई गलत बात कहता है या कोई गलत काम करता तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको किस तरह से उस बात को किस तरह से अपना अमल जाहिर करते थे। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी किसी महफिल में होते और कोई काम ऐसा होता कि जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद ना होता या उस चीज़ को वो अच्छा नहीं समझते थे तो वो चीज़ वो उस शख्स को सबके सामने नहीं कहते थे, उसको या तो अलहदगी में कहते या इसके अलावा मजलिस में इस तरह से बात करते जैसे आम लोगों के बारे में बात हो रही हो कि ज़्यादातर लोग इस तरह करते हैं या हमारे यहाँ आजकल ये रिवाज है लेकिन ये चीज़ गलत है, इस चीज़ को नहीं करना चाहिए। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी मजलिस के अंदर किसी की आबरू रेजी नहीं करते थे, मतलब है उसकी इज्जत को खराब नहीं करते थे। जो हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने तमाम कामों में किस असूल की पाबंदी फरमाते थे, तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सबसे ज़्यादा असूल जिसकी पाबंदी फरमाते थे वो यही होता था कि जिस भी काम को करते तो उसको शिद्दत के साथ कायम रखते थे, मतलब एक काम अगर वो शुरू कर लेते थे तो वो फिर हमेशा के लिए उस काम को करते रहते थे।
और इसीलिए इस तरह के काम जो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा किए उनको सुन्नत कहा जाता है। चौथा जो क्वेश्चन है, सुन्नत की तारीफ बयान करें। तो सुन्नत क्या चीज़ है? वो चीज़ है जो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा काम जो हमेशा किया हो, तो इसलिए उस काम को करने में ज़्यादा सवाब भी मिलता है, तो इसलिए हमें सुन्नत पे अमल करना चाहिए। तो ऐसे तमाम काम जो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा किए हों तो उस काम को सुन्नत कहा जाता है। और सुन्नत सिर्फ उस सूरत में हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ औक़ात छोड़ा जब कोई बहुत बड़ा उज़र हो जाता या कोई बहुत बड़ा मसला हो जाता तो तभी वो छोड़ते थे, इसके अलावा कभी नहीं छोड़ते थे। जो अगला क्वेश्चन है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसाफे के दौरान किस बात का ख्याल रखते थे? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी किसी से मिलते तो एक तो बात ये थी कि सबसे पहले हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम करते और मुसाफा करते, और इसके अलावा मुसाफे के दौरान इसके बात का एहतमाम करते थे कि जब तक दूसरा शख्स उनके हाथ को ना छोड़ दे वो तब तक उससे अपना हाथ नहीं छुड़वाते थे। तो ये मतलब है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी कि वो कभी भी किसी दूसरे का शख्स पहले नहीं छोड़ते थे, बल्कि जब तक वो शख्स उनके हाथ में हाथ रखता वो भी उसके हाथ को पकड़े रखते हैं, थामे रखते हैं। अगला जो सवाल है हमारे पास, सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजाशी के यहाँ से आने वाली सफारत की किस तरह मेहमान नवाजी फरमाई? सफारत का मतलब क्या होता है? ऐसे जो किसी मुल्क के नुमाइंदे होते हैं उसको सफारत या सफारतकार कहा जाता है। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नजाशी के यहाँ से सफारत आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अपने यहाँ मेहमान, ना सिर्फ अपने यहाँ मेहमान रखा बल्कि खुद उनके खाने पीने और जितनी भी मेहमानदारी थी खुद सर अंजाम दी। सहाबा ग्राम कहते भी रहे कि ये काम हम कर देते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इरशाद फरमाया कि जब ये इन लोगों ने मेरे दोस्तों का ख्याल रखा था तो मुझे भी इनका ख्याल खुद रखना चाहिए। अगला जो हमारे पास सवाल है, पर्दे की आयत कब नाजिल हुई? पर्दे की आयत के बारे में एक वाकया पेश आया था कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हजरत जैनब के साथ निकाह किया तो उसके बाद जब वलीमा था तो उस दिन कुछ लोग खाना खाने के बाद बैठे रहे, मतलब वलीमा ख़त्म भी हो गया था लेकिन बैठे रहे, और हजरत जैनब भी उसी मजलिस में थी क्योंकि तब तक पर्दे का हुक्म नहीं आया था। लेकिन जब ये वाकया हुआ तो उस वक्त के बाद अल्लाह ताला ने आयत नाजिल फरमाई पर्दे के बारे में कि आइंदा से मोमिन औरतें जो है पर्दा किया करेंगी। जो अगला सवाल है हमारे पास वो है, हुज्जतुल विदा के मौके पर सदकात का माल तकसीम करते हुए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो तनोमंद लोगों को क्या नसीहत फरमाई? तनोमंद का मतलब सेहतमंद होता है, नसीहत का मतलब कोई अच्छी बात करना, मतलब है उनको क्या अच्छी बात की। तो ये उस वाक्य के बारे में है कि हुज्जतुल विदा के मौके पर जब हजूर सल्लम सदकात तकसीम फरमा रहे थे तो दो लोग आए, तो आप सल्लम ने देखा कि वो दोनों तनामंद थे, सेहतमंद थे, तो आप सल्लम ने उनको फरमाया कि अगर तुम चाहो तो मैं इसमें से तुम्हें दे सकता हूँ, लेकिन गनी और जो तंदुरुस्त हो सेहतमंद हो उसके लिए ये मुनासिब नहीं है कि वो सदके का माल लें। उसके बाद जो सवाल है, किन तीन लोगों को सवाल करना और लोगों के सामने हाथ फैलाना नारवा है? मतलब है हाथ फैलाने का मतलब है कुछ पैसे मांगना या कुछ मदद मांगना, इस तरह की चीज़ जो है हाथ फैलाना कहलाता है। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
तीन लोगों के बारे में फरमाया था, तीन लोगों के बारे में कि सिर्फ उनको आप चाहिए कि वो मांग सकते हैं या सवाल कर सकते हैं। उनमें से एक शख्स वो था जिसने किसी से कर्ज़ा लिया हो और वो उस कर्ज़े को पूरा ना कर सकता हो, लेकिन जब कर्ज़ा उतर जाए तो उसके बाद उसको भी मांगना जायज़ नहीं है। दूसरा वो शख्स था जिस पर कोई अचानक मुसीबत आ गई और उसका तमाम मालूमता ख़त्म हो गया, तो वो भी मांग सकता है, लेकिन उस वक्त तक जब तक उसकी हालत बेहतर ना हो जाए। तीसरा वो शख्स था जो फाके में हो, भूख की हालत में हो और उसके बारे में तीन जो मोहल्ले के शख्स हैं वो गवाही दें कि बाकी इसके पास खाने को कुछ भी नहीं है, तो फिर उसको भी वो भी मांग सकता है, इसके अलावा कोई भी सवाल नहीं कर सकता। आखिरी जो सवाल है हमारे पास, इंसान के ज़खीरे ये अखलाक में सबसे कमयाब और नादरुल वजूद, इंसान के ज़खीरा में सबसे कामयाब और नादरुल वजूद, तो ये भी अगर आप लोगों को याद हो तो सबक के अंदर जो हमारे पास था कि आखिरी जो पैराग्राफ था कि इंसान के ज़खीरे अखलाक में सबसे ज़्यादा कामयाब और नादरुल वजूद चीज़ दुश्मनों को माफ़ कर देना है, क्योंकि ये सबसे मुश्किल होता है कि अपने दुश्मनों को माफ़ कर देना। लेकिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं उन्होंने अपने जानी दुश्मन, हत्ता के अपने चचा के जो कातिल थे, उनको भी माफ़ कर दिया। अगला जो हमारे पास सवाल है, सवाल नंबर दो है वो, तो सवाल नंबर दो के अंदर आप लोगों ने करना ये है कि एक तो इसके अंदर मैं नहीं लिखने हैं और दूसरी जो चीज़ करनी है वो उनको जुमलों में इस्तेमाल करना है। तो अगर आप मैनी देखें तो वैसे तो ये मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन अगर आप लोगों को फिर भी इसमें कोई मसला आ रहा है या याद ना हो तो मैं दोबारा उनको दोहरा देता हूँ। जिनसे फरामा का मतलब था ऐसी चीज़ जो कसरत में हो, मतलब है बहुत ज़्यादा हो। नादिर वजूद का मतलब था ऐसी चीज़ जो बहुत कम हो, मतलब है ये एक दूसरे के मतजाद भी हैं, जिनसे फरमा और नादरुल वजूद। मकरूए तहरीमी क्या था, ऐसी चीज़ जो हराम तो नहीं है लेकिन उसको बेहतर भी नहीं समझा गया। ज़रो सेम का मतलब क्या था, मालो दौलत, मतलब है ज़र वैसे सोने को कहते हैं। उलुल अज़म जो था बुलंद हिम्मत या बुलंद हौसले वाला। अजराम समावी का मतलब क्या था, आसमान के सितारे और सियारे। मुबालगा अमेज़ बाज़ोकात कोई बात की जाती है या कहानी होती है तो उसमें बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को अगर बढ़ा चढ़ा कर बयान किया गया हो, मतलब है असल में वो ना हो, तो इसको हम मुबालगा अमेज़ कहते हैं। अब्र करम का मतलब जो है, अब्र करम, अबर वैसे बादल को कहते हैं, करम रहमत को कहते हैं, तो रहमत का बादल। सिकाए तामीम ये ऐसी बात जो सब लोगों के लिए हो, आम लोगों के लिए हो। निको सीरत मतलब नेक किरदार या नेक सीरत। तो ये अगर जुमलों में जिनसे फरामा का हम क्या लिख सकते हैं कि मई के महीने में गंदम जिनसे फरामा मौजूद थी। नादरुल वजूद ये चीज़ नादरुल वजूद है, किसी को माफ़ कर देना नादरुल वजूद है। मकरूह तहरीमी हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि जिन चीज़ों से परहेज़ बताया गया है उनको, एक तो हराम होते हैं जो बिल्कुल हम खा नहीं सकते, दूसरे वो चीज़ें होती हैं जो हराम तो नहीं है लेकिन उसको बेहतर भी नहीं समझा गया, तो उनको मकरूह तहरीमी कहा गया है। तो हमें
मुसलमानों को मकरूह तहरीमी से भी क्या करना चाहिए, बचना चाहिए। ज़र्रो सेम फतेह मक्का के बाद मुसलमानों के पास इतना ज़्यादा माल था, इतना ज़्यादा वो था, तो इस चीज़ को ज़र्रो सेम कहा गया है कि जब कोई बहुत ज़्यादा माल और दौलत हो, तो हमें कभी भी अपने ज़र्रो सेम पे इतराना नहीं चाहिए। उलुल अज़म, उलुल अज़म का मतलब बताया था मैंने, बुलंद हिम्मत या हौसले वाले। कायदे अज़म का, कायदे अज़म एक उलुल अज़म इंसान थे, अज़म इरादे को कहते हैं। अजराम समावी, अजराम समावी का मतलब आसमान के सितारे और सियारे। क़यामत के दिन अजराम समावी तक तबाह बर्बाद हो जाएंगे। मुबालगा आमेज, अहमद हर बात में मुबालगा आमेजी करता है। अब्र करम, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम मुसलमानों के लिए अब्र करम के तौर पर इस दुनिया में नाजिल हुए। सीगा तामीम, हमें कभी भी किसी को नाम लेकर उसकी बुरी बात नहीं बतानी चाहिए, बल्कि सीगा तामीम में उसकी बात को बताना चाहिए। निको सीरत, नेक सीरत इसका मतलब या नेक किरदार होता है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा निको सीरत कोई इस दुनिया में नहीं हो सकता।